गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो आज संडे है और KTM ने एक अनदर राइड ऑर्गेनाइज किया है। ये राइड जो है अर्बन स्केप नहीं होने वाला है, ये है KTM एक्सप्रो का एडवेंचर स्केप। तो इसमें सिर्फ एडवेंचर 390 जो है वो अलाउड है, बट एज़ अजय भाई हमारे अच्छे फ्रेंड है तो उन्होंने बोला यार अपने स्वाट पे ले आओ। तो वहाँ पे एक ट्रेल बना हुआ है जो कि एक ऑफ रोड रहेगा, मतलब सेमी ऑफ रोड है। तो वहाँ पे KTM की तरफ से जो बंदे आएंगे वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ऑफ रोड पे आप अपनी बाइक चला सकते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। तो चलते हैं वहाँ और देखते हैं। पहले तो हमें यहाँ से KTM के शोरूम जाना है एज़ यूज़ुअल। 6:30 का टाइम है वहाँ पहुँचने के लिए और अभी बज रहे हैं 6:09, तो हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पे सभी अरेंज होंगे, फिर वहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी वहाँ से फिर हम आगे IK ट्रेल्स की तरफ चलते हैं। आपको मिलते हैं IK ट्रेल्स पे, नहीं उससे पहले चंडीगढ़ के शोरूम पे। तो विशाल को मैंने यहाँ पे वेट करने बोला था, होपफुली वो आ गया होगा। वैसे मुझे तो लग रहा है वो आ चुका है क्योंकि इसका हेडलाइट लाइट ऑन है। तो उसको मिलते हैं। तो विशाल यहाँ वेट कर रहा है और अपनी ये फोटोग्राफी कर रहा है, अपने बाइक का या मेरा आई डोंट नो। तो फाइनली हम मिल चुके हैं। हेलो, यूर ऑन कैमरा। हाँ हाँ कर दी, चले फिर। और ये है विशाल की डोमिना 250। तो हम चंडीगढ़ के शोरूम पे पहुँचते हैं, वहाँ पर आपसे मिलते हैं। चंडीगढ़ शोरूम जा ही रहे थे तो बीच में हमें कुछ पुलिस वाले मिल गए, इनकी भी रैली चल रही थी। तो सचिन और टीम के साथ हमें राइड करने का मौका मिला। इनसे मिलो अजय भाई से, इनके चलते मैं आया हूँ आज। सो हमने फॉर्म फिल कर दिया है और हमें रिफ्रेशमेंट बॉक्स भी मिल चुका है KTM की तरफ से। एंड सारा क्रेडिट मैं फिर से अजय भाई को देना चाहूँगा क्योंकि बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया, आफ्टर ऑल ये मान गए कि हाँ ठीक है मैं आऊँगा, आ जाओ जल्दी भर दे भाई। अच्छा साइन भी करना है क्या? अच्छा साइन ही तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे चाय वगैरह चल रहा है और बाहर में सारी बाइक्स लगी हुई है। तो मैं आपको बाइक्स दिखाता हूँ, बहुत अलग अलग तरह की बाइक्स आई हुई हैं। सो इफ वी स्टार्ट एडवेंचर 390 तो है ही क्योंकि ये तो स्टार ऑफ द डे है।
साथ में हमारे पास अपाचे भी है, उसके बाद हीरो इम्पल्स भी है, हिमालयन भी है, बुलेट भी है, हाइनेस भी है, और ये मेरी रेस पॉट 250 और विशाल की डोमिना 250। और ये एक क्लासिक रनिंग फिट जो कि कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, लाइट ब्लू। तो अभी टाइम हो रहा है 7:02। एनीवे अब तक तो ब्रीफिंग हो जानी चाहिए थी और हमें निकलना था, बट स्टिल वी आर लेट। कोई इशू नहीं है, अब वैसे तो कोई राइडर आ नहीं रहा, बट अंडर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरे हो रहे हैं, सभी ने अपना फॉर्म फिल कर दिया ऑलमोस्ट। विशाल थोड़ा सा पागल हो रहा है क्योंकि इसे लग रहा है लेट हो रहा है कि विशाल। हाँ, लेट हो रहा है। सुबह 4 बजे उठे थे ना, 4 बजे उठा था मैं तो, सोया ही नहीं एक्साइटमेंट के कारण। तो बहुत जल्दी है। हाँ, पिछले बार तो बहुत बारिश हो रही थी ना, 9 बजे तो निकले थे। आज भी है थोड़ा बादल वगैरह, बट बारिश नहीं होने वाली, मौसम अच्छा है। सो कॉल हो चुका है अंदर जाने का, ब्रीफिंग स्टार्ट होने वाली है। वैदर इट इज रोड और ऑफ तो तुम जो खड़े हो गए चलाना तो नीज न फटना जो नैरोस पोजिशन है सब तो भीड़ा बाइक होगा। तुम नीज न फटोगे तो जिदा मर्जी मूव कर सकते हो विदाउट हैंडलिंग। तो फिर अपनी बॉडी वेट ये पाँव पीछे को आ जाएगा। अभी पाली भी अगर चलाएंगे या पीछे को उठाए, सपोज कई बार वेट पीछे को डालना, तो ये अपना जैसे हम स्क्वाट मारते हैं तो हिप्स ऐसे पीछे को आ जाएगी, ये पोजीशन उसी लाइन पे ही रहेगी। ये आएगा तो ये हिप पीछे को आ जाएंगे, स्क्वाट पोजीशन वही प्रैक्टिस से आएगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। स्टैंडिंग पोजीशन भी लोग ब्रेक्स यूज करते हैं उसके लिए भी। हाँ, वो ये कि फुटबॉल तभी कहते हैं कि फुटबॉल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं बाहर को और वहाँ से राइड शुरू करेंगे, फ्लैग ऑफ होगा उसके बाद। So here we go. अभी ये रोड पे अगर आपको दिख रहा हो तो अब इसको मैं सेट बटन थोड़े से प्रेस करके रखूंगा कि फर्स्ट सुपर मोटो मोड इसका ऑन हो चुका है, यानी कि पीछे का रियर ABS जो है वो ऑफ हो चुका है, तो ऑफ रोडिंग में बहुत काम आने वाला है। मैंने गलती कर दी बाइक ऑन ऑफ करके, फिर से मेरा रोड मोन जो है ना वो ऑन हो गया होगा। सुपर मोटो अभी भी है, दैट्स गुड। सर आप ट्रैवलर बाय मिस्टेक हो ना, मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं। मैं फॉलो भी करता हूँ आपको। मेरा भी अभी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, मेरे को सेंड करना। हाँ अच्छा अच्छा, मैं करूँगा आपको। तो यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग जो है वो होती है स्टार्ट। ओ भाई, ओ Oh my God!
दिखा दे पहले गियर में आऊं क्या? रुक 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 रख देना मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि मेरे बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो काफ़ी कम है तो वो कहीं इधर उधर ना टकरा जाए मुझे सर बाकी तो आई विल मैनेज आई नो हाउ क्योंकि मुझे घंटा डर लगता है इन सब चीज़ों से। अगर मेरे पास पुरानी वाली बाइक होती ना मेरी सीजी ट्विस्टर तो भाई साहब उससे मैं अभी तक आगे तक पहुँच आ गया होता। तू ऐसे वैसे रास्ते पे क्यों जा रहा है बार बार? ना हो गया परफेक्ट आ गया मजा। ऑफ रोडिंग तो हमने स्टार्ट कर दी थी बट बीच में ये रिवर आ गया। अब इसको क्रॉस करने का हम प्लान बना रहे हैं कि कहाँ से क्रॉस करें जहाँ से रिवर का डेप्थ कम होगा वी विल ट्राई कि हम वहाँ से क्रॉस करेंगे इसको क्योंकि आज बारिश हो रखी है तो पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज है और यहाँ पे सभी की बाइक्स लगी हुई है। आओ मैं आपको किसी से मिलाता हूँ। ये है ट्रैवलर बाय मिस्टेक। तो हेलो, इनका जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है यूरोप का एक टूर शुरू होने वाला है। ये अपने ड्यूक 390 एडवेंचर पे पूरा का पूरा यूरोप जो है ना वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सर आपको बताएंगे कि एक्चुअली वो उन्हें कैसे इंस्पिरेशन मिला कि पूरा यूरोप ट्रैवल करें। एक्चुअली मैं इंस्पायर हुआ इक्की बूट से। उसका नाम है नॉरली शू मेकर। वो हॉलैंड से आई थी इंडिया घूमने और मनाली का उसने ट्रिप किया हिमालयन पे। उसके बाद उसने हिमालयन एक बाय कर ली डेली से जिससे वो ऑल द वे डाउन मलेशिया गई। 2.5 साल की प्लानिंग चल रही थी मेरी। अब जाके मेरी डॉक्यूमेंटेशन सारी कुछ दिख रही है। नेक्स्ट मंथ में जा रहा हूँ। कल मेरा ईरान का वीज़ा आया है और 6 महीने रोड पर रहूँगा। 60,000+ किलोमीटर कवर करूँगा। तो ये है सर का चैनल अ ट्रैवलर बाय मिस्टेक। एनीवे आपको डेली ब्लॉग्स तो मिलेंगे ही सर के चैनल पे तो आप उसमें आराम से देख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। सो वी आर रिटर्निंग फ्रॉम एयर क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है तो हम जो है एक दूसरा रूट एक्सप्लोर करेंगे तो हम वापस जा रहे हैं। ये पीछे की तरफ से एक ब्रिज है वहाँ से क्रॉस करके हमें एक्चुअली उस तरफ जाना है तो हम वहाँ को जाएंगे। Here we go in Kichada. Go. So that's it for this video. ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा तो मैंने क्या सोचा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अभी तो आपने देखा कि ये जो ऑफ रोड है ना सेमी ऑफ रोड जो था वो हमने किया। इसके बाद अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ है जो KTM रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से थोड़ा हमें सिखाया जाता है कि बाइक को कैसे टैकल करना है नॉल तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसी तरह अपना प्यार देते रहो।